हाय, मैं मुम्बा किचन इंडिया पुंगा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मेरी बिस्कुट से केक बना के दिखाने जा रही हूँ। और ये जो है ये सभी खा सकते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी इसे खा सकते हैं। बहुत समय होता है कि बिस्कुट मुलायम हो जाता है, ऐसे पड़ा ही रह जाता है, कोई खाना भी नहीं चाहते हैं, तो इन सब बिस्कुट को हम लोग फेंक देते हैं। तो आप इसे इस तरह से केक बनाकर अगर किसी को खिलाइएगा तो वो जरूर खा लेंगे। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो मेरे चैनल का तो जरूर करें। दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो देखने के बाद कॉमेंट्स भी जरूर करें। हाँ, मैंने बिस्किट केक बनाने के लिए मेरी बिस्कुट ली हूँ 8, और ये शुगर पाउडर ली हूँ 2 चम्मच के करीब। ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट चुटकी भर, और एक लगभग 100 ml के करीब दूध है, और बेकिंग पाउडर लूँगी। तो और इलायची पाउडर से मैं इसे बनाऊंगी। तो आप चाहे तो इसे आप कोई भी एसेंस से बना सकते हैं, आप इलायची दे रही हैं। हाँ, वनीला एसेंस, कोई भी एसेंस से आप बना सकते हैं। ये आप 8 बिस्कुट लिए हैं। इसे मैंने थोड़ा तोड़ कर मिक्सी में पीस लूंगी, फिर मैं इसे बनाऊंगी। तो ये आपने ग्राइंड कर लिया बिस्कुट को। बिस्कुट का पाउडर बना ली। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, आप चीनी अपने स्वाद अनुसार डालें। शुगर पाउडर डाल दी मैं, और ये बेकिंग सोडा मैंने डाल दी थोड़ी सी। और मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से थोड़ा कम है। इसे मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी, जो कि 5 मिनट में ही बन जाता है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में बहुत जल्दी बनता है। ये बनाना बहुत आसान है, इसे सभी कोई खा सकते हैं। लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो कुकर में बना सकते हैं, गैस के चूल्हे में, या इंडक्शन, जिनके पास है इंडक्शन में। तो आप गैस के चूल्हे में भी बना कर एक दिखाइएगा। जरूर। इसके बाद आप कभी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर दिखाइए कुकर में कैसे बनाया जाता है। अब मैं थोड़ा इसमें दूध डाल दी। एक स्मूथ बैटर बनाना है। आपने 100 ml दूध लिया है। बहुत सारे बिस्कुट पुरानी हो जाती है। हाँ, ऐसे ही पड़ा रह जाता है डिब्बे में, खाने का मन नहीं करता। उस समय उसे भी आप इस तरह से बना केक बना सकते हैं। उस बिस्कुट का जो सदुपयोग हो जाएगा। उस समय बिस्कुट खाते खाते मन उब जाता है, तब आप इस बिस्कुट का उसी तरह केक बना के अगर सभी को खिला सकते हैं। आजकल बच्चे लोग तो क्रीम बिस्कुट ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब बिस्कुट कम पसंद करते हैं, और ये जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसमें तेल वगैरह, घी, तेल बटर नहीं लगता है। दूध तो कैल्शियम से भरपूर होता है, दूध तो अच्छा है, दूध देना तो अच्छा है।
अब आप क्या मिलाने जा रही हैं? एक इलायची मैं डाली थी और थोड़ा पाइनएप्पल एसेंस भी मैं डाल रही हूँ। अच्छा। कोई भी एसेंस मिला सकते हैं? हाँ, कोई भी। जैसी आपकी मर्जी। थोड़ा सा अब आपका बैटर तैयार है। हाँ, इस तरह का कंसिस्टेंसी होगा होना हाँ, चाहिए हाँ। थोड़ा ये आप क्या कर रही हैं? बटर पेपर में मैं ग्रीस कर रही हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा फायदा? इससे ये केक जो है जल्दी निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, अच्छा, छूट जाएगा। और इसे इसमें भी ये माइक्रोवेव प्रूफ कटोरी है हाँ। इसमें भी लगा दे रही हूँ हाँ। इससे भी थोड़ा मैं ग्रीस कर रही हूँ हाँ। अपने इस पेपर को इसमें बिछा दिया हाँ, पेपर को मैं रख दी इसके हाँ। अंदर फिर मैं ये बैटर को इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा टैप कर दूंगी। ऐसा करने से क्या फायदा? ये जो एयर जो रहता है एयर बबल, इसमें अगर एयर बबल होगा तो निकल जाएगा हाँ। ये आपने माइक्रो ओवन में रख दिया आपने, और फिर मैं इसका टाइम सेट कर दूंगी हाँ। लगता है कि आपका ये केक हाँ, केक तैयार हो गया है। केक बन के तैयार है। अच्छा, आपकी केक जो तैयार है, ठंडा हो जाने के बाद इसे मैं डिमोल्ड करूंगी, ये कटोरी से निकाल लूंगी। अच्छा, निकाल लीजिएगा और तब फिर उसको सजावट भी कीजिएगा, इसको क्या डेकोरेशन भी कीजिएगा। ये आप क्या कर रही हैं? ये इसे प्लेट को इसके ऊपर रख के मैं इसे निकालूंगी हाँ। ये आपने पलट दिया हाँ। अच्छा, अच्छा ये निकल गया हाँ। हाँ। बटर पेपर भी निकल गया हाँ, ये भी साथ। इसे ये चम्मच से फोर्क से आप अंदर डालकर देख सकते हैं। देखिए इसमें नहीं लगा है, मतलब ये बन गया है। बना है, देखिए बहुत सॉफ्ट बना है हाँ। अब मैं इसको एकदम, मैं तो इसे टच कर देख रहा हूँ, लग रहा है कि रुई जैसा है, एकदम एकदम रुई जैसा सॉफ्ट, रुई जैसा सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। तो आपकी ये बिस्कुट केक तैयार है? हाँ, मेरी बिस्कुट केक तैयार है। मैं इसे चॉकलेट सॉस और स्ट्रॉबेरी क्रस्ट और जेली से मैं डेकोरेट कर दी, और ये बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर बना के सबको खिलाएं, बच्चे भी खा लेंगे, टिफिन में भी आप दे सकते हैं। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें, कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें दोस्तों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सबको सेहतमंद रहे।